subscribe to my channel and also hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये नई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी है, उम्मीद है आपको सबको पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं अपने आईज में कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा नाइवे का कंसीलर है इन द शेड 03। और फिर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ पूरी आईज पे अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से। अपने मैं पूरा से ब्लेंड कर लूँगी, फिर मैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे प्रेस कर लूँगी, कंसील कर लूँगी अपने कंसीलर को, ताकि ये क्रीज ना हो। सो सबसे पहले मैं अपने आउटर वी पे, आउटर कॉर्नर पे आइस की टेप लगा लिए। और मैं अपने इस ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। मैं आपको ब्रशेज़ के बारे में आज बताऊँगी। ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है, इससे आपकी आईज पे ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है। आपको ये यूज़ करना ज़रूर, आपकी आई शेडो किट में ये ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा ये बुलेट पेंसिल ब्रश है, इसकी हेल्प से आप आउटर वी पे अपना शेडो पिक करके लगा सकते हो, अच्छे से मर्ज कर सकते हो उसे। और तीसरा जो ब्रश है वो है ये फ्लैट टाइप ब्रश, इसकी हेल्प से आप कोई भी शिमरी शेड अपनी आईज पे लगा सकते हो। और ये चौथा है, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश की तरह है, इसे भी हम, इसको कभी भी आप ध्यान रखें, हमेशा नीचे से नहीं पकड़ना आपको ब्लेंडिंग करते टाइम कभी नहीं, और हमेशा इसे पीछे से एकदम लास्ट से पकड़ना, ताकि हमारा प्रेशर अपने हमारी आईज पे शेडो पे कम रहे और हल्का प्रोडक्ट हम अपनी आईज पे अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी पैलेट से ये ऑरेंजी सा शेड लूँगी, लाइट कलर, और इसे टैपिंग मोशन में इसे एक्स्ट्रा जो मेरा पाउडर आई शेडो होगा अपनी ब्रश में वो हटा दूँगी डैप करके, ताकि एकदम से बहुत सारा प्रोडक्ट मेरी आईज पे ना हो अप्लाई। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आपको पूरा अपनी आईज पे अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है अच्छे से, जिस तरह मैंने करा है बिल्कुल ऐसे ही आपने ब्लेंड करना है, कोई भी हार्श लाइन ना हो बिल्कुल भी। तो अब मैं ये दूसरा शेड, डार्क शेड पिक कर रही हूँ, और अपने पेंसिल, बुलेट पेंसिल ब्रश से इसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी क्रीज अच्छे से डिफाइन हो। अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर की तरफ मैं पूरा अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी, अपने क्रीज को डार्क करूँगी। तो मेरी क्रीज थोड़ी डार्क हो चुकी है। अब मैं इसे अच्छे से दोनों शेडो को ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन और ऐसा ना लगे कि अलग से कोई शेडो दो दो पिक करे हुए। देन मैं अपने मार्स की शिमरी पैलेट से, शिमरी आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन शिमरी शेड लूँगी, और इसे अपने लिड पे पूरा अप्लाई करूँगी अच्छे से अपनी फ्लैट ब्रश की मदद से। आप चाहो तो इसे फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो, फिंगर से वैसे इस शिमरी शेडों की शेड्स जो होते हैं इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है। मैंने भी फिर फिंगर से अप्लाई करा बाद में इससे, आप देख सकते हो फिंगर के से अप्लाई करने के बाद इसका शेड ज़्यादा अच्छा आया। और फिर मैंने इसके ऊपर अपना थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर भी लगाया अपने ग्लिटर पैलेट से, सॉरी वो मैं स्किप हो गया कैमरे से। और फिर मैं अपने लोअर लैश लाइन को भी स्मज कर रही हूँ, जो मैंने ऊपर जो शेडो लिए थे वही शेडो मैं नीचे भी अपने लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। हल्का डार्क ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। फिर मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर शिमरी शेड से अपनी मार्स के आई शेडो पैलेट से। आपको इसे भी पैलेट से अपनी सिल्वर या गोल्डन लाइट शिमरी शेड लेके अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा ब्राउ बोन एरिया होता है, इसे भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ, ताकि मेरी आईज ओपन अप लगे।
फिर मैं ये म्यूज़िक फ्लावर का जेल लाइनर लगा रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे। और फिर मैं इसे लाइनर अपना ऊपर भी लाइनर की तरह इसे पूरा लगा लूँगी और अपना विंग क्रिएट करूँगी। बहुत ही ध्यान से विंग क्रिएट करेंगे हम, बिल्कुल भी ज़रा सा ख़राब ना हो, नहीं तो पूरा अपना मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैंने ध्यान से बहुत ही लाइन अपनी विंग बनाया और उसे अपना आगे अंदर की तरफ ड्रैग कर लिया। तो मेरा लाइनर तैयार है और मेरा थोड़ा लाइनर फैल गया था नीचे, तो मैंने कंसीलर की हेल्प से उसे शार्प कर लिया और लाइनर एकदम शार्प हो गया। फिर मैं अपना ब्लू हेवन का मस्कारा लगा रही हूँ। गाइज ये मस्कारा बहुत ही एफोर्डेबल है और ये ओनली 50 रुपीज़ का है, आप चाहे कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। और अपने लोअर आई लैशेज पर भी मैं अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी। फिर मैं अपनी मिंक आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। आप कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।